गर्मी अपने सख्त तेवर अपनाए हुए है और सूरज की तपिश व गर्म हवा से हर कोई परेशान है। मेरा नाम है आकांक्षा यादव और बिफोर प्रिंट डॉट इन में आप सबका स्वागत है। लोगों को चैत्र माह में ही जेठ की दोपहरी का एहसास हो रहा है। कानपुर में तेज गर्मी से लोग परेशान हो रहे थे। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में तापमान 42.5 डिग्री के पार पहुंच चुका था। सूरज की तपिश के कारण लोग घरों में कैद होने को मजबूर थे या फिर सर पर गमछा और छाता लेकर चलने को मजबूर थे। उसी कड़ी में आज वेस्टर्न डिस्टरबेंस होने के कारण बादलों ने सूरज को कैद कर लिया और चारों तरफ अंधेरा छा गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो कि सामान्य से 6 डिग्री अधिक है। इतना टेम्परेचर असहनीय होता जा रहा है तथा यह लोगों के लिए काफी नुकसानदायक भी साबित हो रहा है। सीएमए के मौसम वैज्ञानिक एसएन सुनील पांडे ने बताया कि इसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस कल सुबह तक जम्मू कश्मीर से आएगा। इसकी वजह से एक एंटी साइक्लोन राजस्थान व पाकिस्तान के ऊपर बनेगा, जिससे अरब सागर की नम हवाएं आएंगी और कहीं कहीं बादल छाने लगेंगे, जिससे थोड़ी बूंदाबांदी या तेज हवाओं के साथ आंधी भी आ सकती है। इस वजह से अगले 48 घंटे में तापमान 1 से 2 डिग्री तक कम होने की संभावना है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग से मैं एसएन सुनील पांडे, कृषि मौसम वैज्ञानिक। जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान है कि आज एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो रात में बस जम्मू कश्मीर के ऊपर आ जाएगा, उसकी वजह से एक एंटी साइक्लोन जो राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर बनेगा, जो अरब सागर की नम हवाओं को भी ले आएगा। जब दो तरह की शुष्क और नम हवाएं आपको से मिलती हैं तो क्लाउड फॉर्मेशन होती है और उससे आंधी आती है, तेज हवाएं चलती हैं। कानपुर में तेज हवाएं नम हवाएं आने की संभावना है, जिससे गर्मी में फौरी तौर पर थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन बहुत ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बूंदाबांदी और पहाड़ों पर थोड़ी ज्यादा बारिश होने की संभावना दिख रही है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।